यूपी में हुई बहन मनीषा वाल्मीकि की हत्या और शव को रात में जला देने पर नितेश जायसवाल, राहुल गांधी युवा संगठन शाजापुर और टीम ने बहन मनीषा को श्रद्धांजलि दी और कहा कि जल्द से जल्द बहन के हत्यारों को फांसी की सजा मिले। यूपी प्रशासन की ओर से रातों रात शव को जला दिया गया। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ा आज दीदी हमारी बहन मनीषा जी वाल्मीकि के आज हमने श्रद्धांजलि दी है उनको, और यूपी सरकार के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उनके परिवार के साथ गलत काम हो रहे हैं, उनको मारा ठोकी हो रही है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में भी मतलब यहाँ पर हम सभी मित्र वगैरह राहुल गांधी युवा संगठन के सभी साथी पधारे हुए हैं और हम राहुल गांधी युवा संगठन के सभी साथी यही चाहते हैं कि बहन हमारी जो इस देश की बेटी है उसको न्याय मिले, उसके साथ अन्याय ना हो, उसके परिवार के जितने भी लोग हैं उनकी सबकी रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए और देश की जितनी भी बेटियां हैं उन सबको साथ लेके चले सरकार। और यूपी सरकार का जो भी ये रवैया है एक तरफ गलत तरीके से साबित हो रहा है, वो जितने भी ऑफिसर वगैरह पुलिस वगैरह जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ों में गलत पाए जाएँ उनको सख्त, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और सजा मौत दी जाए। जो भी इनके गुनहगार हैं दीदी के बहन के उन सबको सजाए मौत दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। जय हिंद जय भारत। बीजेपी सरकार द्वारा रात दिन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। यूपी में जो हमारी बहन मनीषा जी वाल्मीकि के साथ हुआ है, हमारी बहन के साथ, वो बहुत गलत है। आज अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहन बेटियों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ में, उत्पीड़न वगैरह ये वो। तो इन सब चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। और यूपी सरकार में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, पुलिस वहाँ पर रातों रात सब को जला रही है। हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो रात को नहीं जलाए जाते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही कि हिंदू है क्या नहीं है, समाज वगैरह है क्या नहीं है, ये भी नहीं देखा जा रहा है। वहाँ पर राहुल गांधी जी को भी अपमान किया है, वहाँ पर धक्का दिया, राहुल गांधी जी जैसे बड़े नेता को वहाँ पर की पुलिस जो इस तरह से व्यवहार कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, ये बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया कदम है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी बहन मनीषा जी वाल्मीकि के जितने भी अपराधी हैं तीनों चारों, उनको फांसी की सजा सुनाई जाए, बहुत जल्दी से जल्दी यह निर्णय लिया जाए, अन्यथा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के पास करने के लिए, आंदोलन, उग्र आंदोलन वो भी करेंगे। जय हिंद जय भारत। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शुजालपुर से अनिल जाट की रिपोर्ट।